नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के आधारभूत व्यवसाय और इन आधारभूत व्यवसायों के अंतर्गत आपके लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा मछली पकड़ना तथा पशुपालन यानी फिशिंग एंड लाइफ स्टॉक, ये दो आधारभूत व्यवसाय यहाँ पर रखे गए हैं। इससे पहले हमने संसाधनों वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये आधारभूत व्यवसाय क्या होते हैं, क्यों इन्हें आधारभूत व्यवसाय कहा जाता है। देखिएगा, आधारभूत का अर्थ ये होता है कि वे सभी व्यवसाय जो किसी दूसरे व्यवसायों के लिए बेस बनते हैं वो आधारभूत व्यवसाय कहलाता है। यानी इन्हीं पर जो आधारित होते हैं वह दूसरे उद्योग रहते हैं, यानी दूसरे उद्योगों का जो रॉ मटेरियल है वह इन्हीं उद्योगों के माध्यम से मिलता है, इसीलिए इन्हें आधारभूत कहा जाता है। तो एक प्रकार से जो प्राथमिक व्यवसाय है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो उद्योग है उस उद्योग का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे उद्योग हैं जो खाद्यान्न से संबंधित है उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो कृषि से आता है, या फिर जितने भी जो मेटल्स है उन मेटल्स की उपलब्धता हमें होती है खनन से यानी माइनिंग से होता है। इसके अलावा हम जो लकड़ियां होती हैं उस लकड़ियों के माध्यम से यानी लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है, या फिर हम कह सकते हैं कि मछली पकड़ना या जो मत्स्यन का कार्य है, या फिर हम शिकार या आखेट ले सकते हैं। तो ये ऐसे व्यवसाय हैं जो दूसरे आधार या व्यवसायों का आधार बनते हैं, जैसे कि खनन। अब खनन से हमने लोहो अयस्क प्राप्त किया, लोहा नहीं प्राप्त किया, हमने यहाँ से लोहो अयस्क प्राप्त किया। अब लोहो अयस्क को हम कन्वर्ट करेंगे इस्पात यानी स्टील के अंतर्गत, और इस्पात को हम रोलिंग करेंगे और रोलिंग के बाद इससे हम विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाएंगे, और इसी मशीनों की सहायता से हम लकड़ी और मशीन का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर बनाएंगे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का निर्माण करेंगे या दूसरी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रकार से मछली है तो मछली की प्रोसेसिंग होगी, शिकार से प्राप्त वस्तुओं की प्रोसेसिंग होगी। कृषि का एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि कृषि से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से प्राप्त किया कपास। अब कपास से हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक तो होती है रुई और इसके बीज जिसे कहा जाता है कपासिया, और इस कपासिया से तो निकाला जाता है तेल, और इस रुई से हम बनाते हैं सूत, और सूत से यहाँ पर बन जाएंगे हमारे कपड़े, और इस तेल से हमारी विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण या विभिन्न अन्य प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बेस है यानी इसका बाद यानी कृषि जो है इन कपास रुई सूत इन सारे उद्योगों का आधार है, बेस है, इसलिए इन्हें आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपके कोर्स में केवल दो उद्योग दे रखे हैं, एक तो फिशिंग और एक दे रखा है लाइफ स्टॉक। तो मनुष्य हमें पता है कि एक क्रियाशील प्राणी है, वह कुछ न कुछ करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर जीविकोपार्जन के लिए उसे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है ताकि वह अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर पाए। तो विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट मिलता है, अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, वहाँ उनकी अलग सभ्यता एवं संस्कृति है, तो उसकी अनुसार मानव के जो व्यवसाय होते हैं वो भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। यानी जो टैगा प्रदेश है वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय में मिलेंगे, और जो घास स्थल के क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं आपको वहाँ पर पशु चराने का कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे कि अगर बात करें कि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो आपको मछली पकड़ने के कार्यों में संलग्न देखने को मिलेंगे।
मानव द्वारा किए जाने वाले जितने भी जो कार्य हैं, उस कार्यों का जो स्वरूप है वह ऐतिहासिक काल से वर्तमान निरंतर बदलता रहता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो कार्य है या हम कौन से कार्य करते हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ये शुरू से बदलती है। जैसे कि अगर प्राचीन या जो पुराना जो आदिम व्यवस्था की बात करें तो उस समय हम आर्किटेक्ट हुआ करते थे, फिर हम पशुपालक हुए, फिर हम कृषक हुए और आज हम शिक्षक या वैज्ञानिक या अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे कह सकते हैं समय और इतिहास बदलता है, वैसे वैसे हमारी जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं का जो स्वरूप है वो भी आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है, यानी उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो दूरी है उसकी बढ़ती दूरी के आधार पर जीविकोपार्जन की जो विधियां हैं वह आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। यानी हर जगह पर प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं मिलते हैं, एक जैसी वहाँ पर भूमि नहीं मिलती है, एक जैसी वहाँ पर जलवायु विशेषताएँ नहीं मिलती हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु और अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके आधार पर हमारे जो कार्य है वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब इन कार्यों को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इसी प्रकार से अगर देखें तो हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रूप से जानी जाते हैं जो डायरेक्टली हमारी जो प्रकृति है उससे संबंधित होता है, यानी हम डायरेक्टली वहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में डायरेक्टली हम प्रकृति से जुड़े हुए इस प्रकार के व्यवसाय को करते हैं। यानी आखेट, जैसे कि अगर हम बात करें तो आखेट यानी शिकार करना। अब शिकार करने में दो व्यक्ति हो गए, एक तो जो व्यक्ति है वो जो शिकार कर रहा है और दूसरा जो है वो है जानवर। तो इसमें जानवर जो है या जो प्रकृति, ये डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं। और ये इससे पहले भी कोई ऐसी आर्थिक क्रिया नहीं होती है, जैसे कि जानवर को अगर मारा हुआ था और उसको अगर हम वापस काट रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सीधा व्यक्ति, व्यक्ति ही पेड़ पौधों से विभिन्न जड़ी बूटियों को एकत्रित करेगा, फल फूल को एकत्रित करेगा, खेतीबाड़ी करने के लिए भी डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, पशुपालन में भी डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, माइनिंग हो चाहे मछली पालन हो उसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ। अभी आपके कोर्स में जो दे रखा है केवल पशुपालन दे रखा है और मछली पालन दे रखा है, तो इनको काफ़ी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे प्राथमिक व्यवसाय। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे जो प्राथमिक व्यवसाय है वे ही हमारे आधारभूत व्यवसाय हैं जो दूसरे जो व्यवसाय हैं उसके लिए बेस बनते हैं। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय के बाद आता है द्वितीयक व्यवसाय। अब द्वितीयक व्यवसाय में हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रखा है, हमने कंस्ट्रक्शन को रखा है, ऊर्जा का उत्पादन, हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा हम प्रोसेसिंग करते हैं और विभिन्न प्रकार के दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अब विनिर्माण किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जैसे कि हमने आखेट से हमने चमड़ा प्राप्त किया या फिर हमने मांस प्राप्त किया, तो चमड़े से की जो विनिर्माण जो होगा उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उस प्रोसेसिंग से हम जूते बना सकते हैं, उससे हम जो बैग है बैग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोसेसिंग हो गई, यानी जो चमड़ा मिला है वो तो हमें मिला फर्स्ट एक्टिविटी से और इसकी जो प्रोसेसिंग हुई वो सेकेंड के अंतर्गत हुआ। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि हमने कृषि की बात की, अब कृषि के अंतर्गत तो इसमें हमने गेहूं प्राप्त किया या गेहूं से आटा प्राप्त किया, अब गेहूं से जो बिस्किट या ब्रेड बनाने का जो काम होगा वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो विनिर्माण यानी प्रोसेसिंग इसी के अंतर्गत होगा। खनन से हमें लोहा प्राप्त हुआ या लोहा अयस्क या तांबा अयस्क मिला और उसकी प्रोसेसिंग करके हमने तार बनाया या किसी प्रकार से चदरें बनाई, तो ये हमारा सेकेंडरी एक्यूपेशंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन है आपका टेरिटरी। अब टेरिटरी के अंतर्गत देखिएगा, टेरिटरी का तो हो गया तृतीयक व्यवसाय। अब तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत ये हुआ कि न तो वो किसी प्रकार से प्राथमिक व्यवसाय है न द्वितीयक है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह उस दोनों पर पड़ता है। जैसे कि अगर बात करें परिवहन, अगर आपको आखेट है और आखेट में जो चमड़ा प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, किसी एक क्षेत्र पर पहुँचाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि जंगल है, जंगल से आपको चमड़ा मिला, जंगल से बीच में आपको उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको कहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा, किसी कारखाने या फैक्ट्री के अंतर्गत उसको पहुँचाना पड़ेगा और फैक्ट्री से ये सीधा पहुँचेगा मार्केट में। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका व्यापार होगा, उसका मूल्य निश्चित किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व्यक्ति या बेचने वाले उसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य होगा।
कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, इसके अलावा मनोरंजन है, मनोरंजन अच्छा होगा, मनोरंजन का अर्थ होता है कि थिएटर हो या बाग बगीचे होते हैं तो मन को काफ़ी सुकून प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य की जो है वो वर्किंग कैपेबिलिटी है और जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो वर्किंग कैपेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो नो डाउट कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वह हमारे प्रोडक्शन पर रहेगा। तो इसके अलावा बैंक है, बीमा है, पर्यटन है, तो ये कोई निर्माण तो नहीं करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कहा जा सकता है शिक्षा जो है इसको हम सेवा क्षेत्र कहा सकते हैं। ये एक सेवा सर्विस सेक्टर के रूप में जाना जाता है जो दोनों ही क्रियाओं को प्रभावित करता है। जो टेरिटरी ऑक्यूपेशंस का आता है, चतुर्थ की बात करता है, तो अब ये जो चीज़ें हैं कि जैसे कि इसमें सहायक तो हो गए, अब सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके गुण की मात्रा में यानी उसके परिमाण में तथा उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करते हैं, कम से कम यानी संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से हो, क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता रहती है, एजुकेशन सेक्टर की आवश्यकता रहती है, हमें हेल्थ की आवश्यकता रहती है व सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। ये तो फोर्थ जो ऑक्यूपेशंस है उसके अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ जो है उसके अंतर्गत काफ़ी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो अनुसंधान जो है, सरकार है, कानूनी सहायता, सलाहकार, ये कुछ जो सेक्टर है वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कह सकते हैं इनके अलग कॉलर, इनको अलग अलग कॉलर के रूप में जाना जाता है। कॉलर कहता है कि जो श्रमिक है उन श्रमिकों की जो है वो रंग क्या होगा। तो अगर हम बात करें जैसे कि अगर जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, अब शारीरिक श्रम की आवश्यकता या खतरा किसमें होता है, तो जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं उस प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत तो जो कह सकते हैं तो नीले कलर का यूज किया जाता है, यानी यहाँ पर आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला, यानी इसको ब्लू कॉलर हम श्रमिक या फिर रेड कॉलर श्रमिक भी कह सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के श्रमिकों के कलर या कॉलर के कलर के नाम से इसे जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ये नीला थोड़ा सा गलत बता दिया, आप यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं। देखिएगा जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत माना जाता है तो इसमें काफ़ी खतरा रहता है, तो इनको हम रेड कॉलर यानी इसको हम रेड कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। फिर रहा सेकेंडरी, अब सेकेंडरी वाले जो रहते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है, और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर रहता है इसको हम ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग, इसी प्रकार से हम टेरिटरी की बात करते हैं, जो टेरिटरी यानी जैसे कि हम व्यापार हो या नहीं, तो यहाँ पर आपको वाइट कॉलर वर्कर्स देखने को मिलते हैं, वाइट कॉलर देख कॉलर जॉब जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिंक कॉलर जो इंडस्ट्रीज है वो भी देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको, तो यहाँ पर आपको गोल्ड कॉर्नर जो है यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गोल्ड कॉलर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिंक कॉलर, तो अलग अलग रंग से इसको दिखाया जाता है। लेकिन बेस जो है ये है कि हमारा जो कंटेंट है वो है आधारभूत व्यवसाय, और आधारभूत व्यवसाय के अंतर्गत हम केवल और केवल प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय के अंदर भी हमें केवल और केवल पशुपालन, लाइव स्टॉक एंड फिशिंग के बारे में स्टडी करना है। बढ़ते हैं आगे, तो जिन व्यवसाय में यानी आधारभूत व्यवसाय कौन से हो गए, जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त यानी जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, मिनरल्स है, इनका डायरेक्टली इसको कंज्यूम करता है या इसका यूज करता है अपनी आवश्यकताओं यानी अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के नाम से जानते हैं। प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी परंपरागत होता है, यानी लंबे समय से आपका और आपका परिवार या पूर्वज करते आए हैं, आदिवासी आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक है, यानी ये जो कार्य होते हैं वो जो कम शिक्षित होते हैं या फिर
जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इससे इतनी इनकम नहीं होती है कि वो ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर पाए, या फिर परंपरागत तरीके से जुड़े होने के कारण वो एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज की तरह अपना ध्यान न देकर वो केवल और केवल अपने प्रोडक्शन या अपने परिवार की जो पालन पोषण की जो विधियाँ हैं उनमें ज़्यादा जोर देते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत अगर बात करें तो मानव का जो अस्तित्व, यानी मानव जब जन्म लेता है उसके अस्तित्व से लगाकर वर्तमान तक लगभग 95% तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है मैं मानव का पोषण किया है। यानी मानव को सबसे ज़्यादा जीवित रखने में सबसे बड़ा योगदान अगर माना जाए तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी जो सेक्टर्स है उसको माना जा सकता है। इन प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके अंदर हंटिंग आएगा। हंटिंग के अलावा आपको फूड कलेक्शन का जो वर्क रहता है, गैदरिंग का जो वर्क रहता है, इसके अलावा आपको वहाँ पर लकड़ी काटना या प्रूनिंग का जो वर्क रहता है, फिशिंग इंडस्ट्री इसके अंदर आएगी, लाइव स्टॉक का पूरा बिजनेस इसके अंदर रहेगा, कृषि एग्रीकल्चर और वहाँ पर आपको माइनिंग का जो वर्क रहेगा उसमें शामिल रहेगा। लेकिन जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना केवल क्या है, लाइव स्टॉक को पढ़ना है और लाइव स्टॉक के साथ आपको फिशिंग इंडस्ट्रीज को पढ़ना है। विश्व में बात करें तो प्राथमिक जो व्यवसाय है उसके तीन क्षेत्र मिलते हैं क्या अर्थ होता है कि आज भी वहाँ पर आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के वर्क देखने को मिलते हैं। देखिएगा प्राइमरी एक्टिविटीज का वर्क जिन क्षेत्रों में मिलता है तो कुछ वहाँ की जो क्लाइमेटिक जो विशेषताएं होती हैं वो किसी इस प्रकार की होती हैं तो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ही वहाँ पर डेवलप हो पाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यानी ये ट्रॉपिकल बेल्ट है और ट्रॉपिकल जो बेल्ट रहता है 0 से रफली अगर देखें तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ तक या 20 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, या कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, हॉट क्लाइमेट रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्राइमरी जो वर्क रहता है वो यही रहता है कि यानी शिकार करना रहता है या भोजन एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन का कार्य यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। पशुपालन थोड़ा सा यहाँ पर गौण रहता है लेकिन बाकी के वर्क जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समशीतोष्ण कटिबंधीय यानी जो टेम्परेट बेल्ट है, अब टेम्परेट बेल्ट में भी जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट या हम कह सकते हैं कि यहाँ डेजर्ट के अलावा कुछ ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो ये जो ग्रासलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको लाइव स्टॉक वाला बिजनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड वन है वो है आपका पोलर रीजन, जो काफ़ी कोल्ड रहता है, वहाँ पर आपको ऐसी क्लाइमेट रहती है तो वहाँ पर आप दूसरी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप नहीं हो पाएगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आपके प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसी प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले हम बात करते हैं फिशिंग इंडस्ट्री, जिसे मत्स्य उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब हम फिशिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो फिशिंग का जो वर्क होता है वो काफ़ी प्राचीन तरीके, यानी मानव का सबसे प्राचीन नाम, यानी पुराणों में बात करें या जो प्राचीन जितने भी साहित्य हुए हैं या जो भौगोलिक ग्रंथ हुए हैं उनमें से शुरू से जो कर रहा है कि मछली पकड़ने का जो कार्य है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और ये एक प्राथमिक व्यवसाय के रूप में डेवलप हुआ है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये एक डेवलप जो है वो एक इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुआ है। तो पहले जो है वो कह सकते हैं कि इसको हम निर्वाह के रूप में, निर्वाह का रूप का अर्थ हो गया कि हम अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही इसका यूज करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो वैसे वैसे फूड की जो डिमांड है वो बढ़ी है और फूड की जो डिमांड को कम्प्लीट करने के लिए ये एक इंडस्ट्री के रूप में काफ़ी रूप में डेवलप्ड हुआ है। तो अगर फिशिंग की बात करें तो फिशिंग कोई चाहे सागर हो, चाहे कोई लेक हो, का चाहे कोई पोंड हो, तो वहाँ पर मछली पकड़ना, उसका व्यापार करना और उसको बेचने तक की जितनी भी जो प्रोसेसिंग होती है उसको सारे के सारे को हम फिशिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं।
व्यापारिक रूप से यानी मछलियों को पकड़कर बेचने का जो वर्क किया जाता है तो उसको एक पिशी कल्चर के नाम से व्यक्त किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कल्चर्स पाए जाते हैं, जो सैरी कल्चर है, पिशी कल्चर है, जो अलग अलग प्रकार की जो खेती है उसको अलग अलग नाम से वैज्ञानिक रासायनिक नाम दिए जाते हैं। तो उसी में से एक पिशी कल्चर मत्स्य पालन के उद्योग को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई मछलियाँ किस प्रकार की पकड़ी जाती है, तो मछलियाँ पकड़ी कहाँ से जाती है उसके आधार पर उसके नेचर के बिहाव पे टू टाइप्स की आपको फिशेज देखने को मिलते हैं। एक तो रहती है स्वच्छ जल के, यानी आपको जो क्लियर वाटर है, जो मीठा पानी है उसमें पाई जाने वाली मछलियाँ, और दूसरी जो है वो है आपको सलाइन वाटर के अंदर देखने को मछलियाँ। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 84% जो मछलियाँ हैं वो खारे पानी वाले क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं, और लगभग 16% जो मछलियाँ हैं वो मीठे पानी वाले क्षेत्रों से देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो मछलियों का जो परसेंटेज होता है वह हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है वह सागरों से प्राप्त होता है, या फिर तो सागरों से प्राप्त होता है, या फिर जो बंद सागर है जो खारा पानी का क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। और जो झीलें हैं या फिर तालाब है या फिर कोई नदियाँ हैं तो यहाँ से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसका जो परसेंटेज है वो आपको कम देखने को मिलता है। फिर अब बात करते हैं कि ये जो फिशिंग की जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस कौन सी चाहिए, तो सबसे पहले हम चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण जलवायु का अर्थ होता है, देखिएगा जो सर्वाइव करने का जो टेम्परेचर रहता है मछलियों के लिए वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। अब शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आपके उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो दोनों ही जो हेमिस्फेयर है या जो गोलार्ध है उसमें आपको इस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलते हैं, और इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपके अधिकांश मछलियां पकड़ी जाती है। कंडीशंस या कारण क्या है, देखिएगा यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी फेवरेबल रहती है। दूसरी कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर आपको डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी गर्म टेम्परेचर हो तो मछलियाँ ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मिलती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इसलिए सबसे ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। फिर बात करते हैं प्लैंकटन। अब प्लैंकटन क्या होता है तो इसको थोड़ा सा समझ आता है। प्लैंकटन का अर्थ होता है, देखिएगा एक तो होता है जू प्लैंकटन, एक होता है फाइटो प्लैंकटन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लैंकटन, ये एक प्रकार का प्लवक है, इसे प्लवक कहा जाता है। जो प्लवक जो है, प्लवक में मैंने कहा कि दो प्रकार के प्लवक, एक जो प्लवक है जिसको हमने कहा कि जू प्लैंकटन और एक हो गया आपके फाइटोप्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन क्या है, एक प्रकार का पौधा है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, और इस पर डिपेंड रहने वाला जो जीव रहता है उसे हम जू प्लैंकटन कहते हैं। अब इस जू प्लैंकटन जो है यानी पौधे को सर खाता है ये जू प्लैंकटन, और जू प्लैंकटन को खाता है हमारी मछलियाँ, और जहाँ पर प्लैंकटन मिलेगा वहाँ पर आपको ज़्यादा अनुकूल सुविधाएं मिलेगी मछलियों को पालने की। फिर हमने कहा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं मत्स्याखेट की सुविधा, यानी फिशिंग की जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप होने के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा छिछला समुद्र, अब छिछला समुद्र क्या होता है इसको अभी हम समझते हैं। छिछले समुद्र की बात कर रहे हैं, छिछला समुद्र क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा समुद्र का ये हिस्सा, जैसे कि हमने कहा कि ये आपके कंटिनेंट का हिस्सा है, कंटिनेंट का हिस्सा का अर्थ होता है कि जैसे कि हमने कहा कि ये कंटिनेंट है, और इस कंटिनेंट के हिस्से पर अगर हम बात करें कि जो ये जो भाग है, इस भाग पर अगर हम बात करें जैसे कि ये कोस्ट वाला रीजन है, और कोस्ट के बाद ये जो हिस्सा है जो नीचे की तरफ यहाँ
यहाँ पर पानी जा रहा है। अब यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, इस भाग पर पानी भरा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है ये काफ़ी गहराई वाला है, यानी यहाँ से अगर कोस्ट है, ये अगर हम कहें कि ये आपके सागर का तट है और ये समुद्र का तल है, तो समुद्र का जो कह सकते हैं कि जो मीन सी लेवल है वहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर काफ़ी गहरा है। अब ये जो भाग है ये काफ़ी कम गहरा है। अब कम गहरा जो भाग होता है वहाँ पर जो फिश होती है वह धूप सेकने के लिए भी आती है। दूसरा ये रहता है कि ये प्रकाशीय जोन, प्रकाशीय जोन का अर्थ होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो फोटो सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इस भाग प्रकाश जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, तो ये जो भाग होता है वहाँ पर आपको जूप्लैंकटन भी मिलेगा, यानी पहले फाइटोप्लैंकटन मिलेगा, जूप्लैंकटन भी मिलेगा तथा इसके साथ आपको फिशिंग भी मिलेगी। दूसरा यहाँ पर आसानी से मछलियाँ पकड़ी भी जा सकती हैं। तो ये जो छिद्रवा तट होता है या फिर कटाफटा जो तट होता है, कटाफटा तट का अर्थ होता है कि कोई क्षेत्र है जैसे कि हमने कहा कि उसकी कोस्ट लाइन कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है हमारा, हम नॉर्थ अमेरिका लिख देते हैं यहाँ पर कि ये नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट है ये केवल सांकेतिक रूप में बताया। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अब पानी भरा हुआ काफ़ी कटाफटा है, तो यहाँ पर आपको पोर्ट की फैसिलिटी देखने को मिल रही है, पोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है। दूसरा यहाँ पर वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र, यानी यहाँ पर आपको कोस्ट, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मछलियाँ पकड़नी, ये पूरा का पूरा आपको जमीन का क्षेत्र मिल गया। और यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं कि फिशिंग इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि कटाफटा अगर क्षेत्र है या फिर छिछला यानी कम गहरा अगर आपको समुद्र का क्षेत्र मिलता है तो वहां पर आपको फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने की बेहतर सुविधाएं मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि जो ओशन करंट्स होती है वो किस प्रकार से बेनिफिशियल रहती है फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए देखिएगा, जहाँ पर हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कि जहाँ पर दो नेचर की गर्म जल धाराएं मिलती है, जैसे कि एक आपके हॉट है और एक जो ये हॉट या एक प्रकार से वार्म है और दूसरी कोल्ड करंट है वो है, दोनों जब मिलती है तो जहाँ मिलेगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोहरा मिलेगा। और जहाँ पर भी ये कोहरा मिलता है वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर फैसिलिटीज मिलती है, यानी वहाँ पर आपको प्लैंकटन्स के लिए बेहतर सुविधा मिलती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ से जैसे कि आपके जो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट का जो वाटर है हमेशा नीचे से सी लेवल से नीचे से ऊपर की तरफ आता है, कि ऊपर से जब वार्म वाटर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा मैं यहाँ पर मैप में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका का ये कोस्ट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कोस्ट ले लेते हैं और ये साउथ अमेरिका, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक करंट देखने को मिलती है। उस करंट का नाम जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर से यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो यहाँ से घूमती हुई यहाँ ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ से लैब्राडोर आती है, लैब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, और ये जो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाती है ये एक हॉट करंट के रूप में या फिर वार्म जो ओशन करंट के नाम से जानी जाती है, दोनों जो है यहाँ पर मिलती है। तो दोनों जहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर एक बेहतरीन फिशिंग पॉइंट जो है यहाँ पर बनता है तो न्यूफाउंडलैंड के पास। तो ये एक कह सकते हैं कि बेनिफिशियल रहता है फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है जहां जहां पर हमें देखने को मिलते हैं वहां पर आपको फिशिंग इंडस्ट्री जो है उसका जो डेवलपमेंट है काफी बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो यही कारण है कि जो मोस्ट ऑफ जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है वो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर फिशिंग इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी अच्छी